उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश लगातार नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। ऐसे में आगामी 11 और 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज होगा। इसके प्रारंभ से पूर्व आज अमेठी कस्बे के अंतु रोड स्थित आरपीजी डिग्री कॉलेज में लखनऊ से चलकर आए उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव राजस्व अनुराग पटेल और पूर्व डीजीपी व नोएडा इंटरनेशनल नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर विक्रम सिंह के साथ अमेठी जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक इलामारन जी और अमेठी उप जिलाधिकारी प्रीति तिवारी ने स्कूली बच्चों के साथ एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में होने वाले रोजगार के अवसर के साथ साथ भविष्य में व्यवसाय करने संबंधी जानकारी प्रदान की गई और छात्र छात्राओं से संबंध में आने वाले समस्याओं का समाधान भी बताया गया। आपको बता दें कि महाविद्यालय पहुंचते ही सभी अधिकारियों का महाविद्यालय की एनसीसी टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर और सैल्यूट देते हुए स्वागत किया। वहीं राजश्री रणजय सभागार में अतिथियों के द्वारा सरस्वती के चित्र पर माला पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महाविद्यालय की ओर से कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं हम आपको बता दें कि इस दौरान तमाम लोग भी मौजूद रहे। वहीं इसके साथ कार्यक्रम के अंत में मीडिया से बात करते हुए नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रोफेसर विक्रम सिंह ने बताया कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से पहले इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को सशक्त बनाना और उनको कानून के विषय की जानकारी देना, बस की अनियमितता को दूर करना तथा बच्चों को यह बताना कि कार्यक्रम उनके रोजगार और उनके व्यवसाय में लगने के लिए है। हिंदुस्तान में हम सशक्त हैं, यही हमारी शक्ति है। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ाने के लिए यह यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जा रहा है। जब यह निवेश आएगा तो एकदम बढ़ेगा और जब उद्यम बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे और जब रोजगार बढ़ेगा तो स्टार्टअप बढ़ेंगे। यह सब हमारे बच्चों के लिए ही है। इसके अंतर्गत जो भी उद्यम और स्कीम है वह 14 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों के लिए है। यहाँ पर सभी बच्चे 14 वर्ष से अधिक हैं, यह सभी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। इससे बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स और हमारे स्कूल भी लाभान्वित हो सकते हैं। अभी होना है, उसके पहले आज कॉलेज में बच्चों के लिए ओरिएंटेशन के, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य मात्र बच्चों को एम्पावर करना, कानून की अनभिज्ञता उसको दूर करना, बैंकर्स की जो अनभिज्ञता है उसको दूर करना और बच्चों को बताना कि ये पूरा जो यूपी ग्लोबल समिट है ये उनके रोजगार और उनके व्यवसाय में लगने के लिए है, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड हिंदुस्तान का विश्व में सबसे अधिक, ये हमारी शक्ति है। इस शक्ति में और ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट की जा रही है, क्योंकि सारा जब अगर ये निवेश आएगा तो उद्यम बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, एनसीडी बढ़ेगी, एमएसडी बढ़ेगी, स्टार्टअप बढ़ेंगे, वो सब हमारे बच्चों के लिए है। इन स्कूली बच्चों को इससे क्या लाभ होने वाला है आने वाले समय में? इसमें जो भी उद्यम है, जो स्कीम से 14 साल से लेकर के 60 साल तक के लिए है और ये सारे स्कूल बच्चे आपने देखे होंगे 14 साल से ऊपर और औसत एज इनकी है जो कॉलेज में, इसलिए सभी लाभान्वित हो सकते हैं, टीचर्स लाभान्वित हो सकते हैं और हमारे स्कूल्स भी लाभान्वित हो सकते हैं। दैनिक भास्कर के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट।